धमतरी शहर के विद्यावासिनी और दानी टोला वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी रंजना डिपेन साहू ने सघन जनसंपर्क अभियान तेजी के साथ शुरू कर दिया है। मतदाताओं से रूबरू होकर भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। जनसंपर्क में प्रमुख रूप से शिवदत्त उपाध्याय, विनोद राय, रण सिंह, दिलीप पटेल के साथ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और ये ग्रामीण क्षेत्रों और भारी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए विषम सोच का कारण बन गया है। अभी तक सभी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा ये चर्चा का विषय है। घर-घर प्रचार उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर विद्वाश्री वार्ड में हम लोगों ने माँ विद्वाश्री के चरणों में जाकर माँ से आशीर्वाद लेकर हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में हम सब घर घर जाकर सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या रिस्पांस आ रही है? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी का स्नेह मिल रहा है। हमारे को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। आज धमतरी से माँ विंध्यवासिनी के चरणों से हम लोग आशीर्वाद लेके हमने प्रचार शुरू किया है। अभी लगभग दो वार्डों में हो चुका है, अभी तीसरे वार्ड शुरू।